अगर हमें ये छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये आग गांव तक लग चुकी है, एक आह्वान पर लाखों लोग दिल्ली में तुरंत आ जाएंगे आधे घंटे के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी सिर्फ और सिर्फ सत्ता को बचाने के लिए ही ये सारे चीजें दिख रहे हैं। मानवता से उनका कोई सरोकार नहीं रह गया, वो सत्ता जीवी हो गए हैं। जैसे कि उनको ये नहीं दिखा कि यहाँ बिजली काट दी गई, यहाँ जो है पानी बंद कर दिया गया, शौचालय बंद किया गया, नेट बंद कर दिया गया, पानी बंद, सब कुछ बंद कर दिया गया। यहाँ पर अपने 40 विधायकों के साथ, जो कि यहाँ पे पुलिस मौजूदगी में डीएम एसडीएम सब मौजूद था, डीजी था, आईजीपी था, उनके मौजूदगी में ललकारा गया, तब नहीं दिखा उनको। उनको पुलवामा विधवाओं की आंसू नहीं दिखे, जिनको उन्होंने शहीद कर देने का प्रयास किया था, तो उनको वो नहीं दिखता। जो चाहते हैं वही दिखता है, उनको वो नहीं दिखा। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं दिखी, जो उन्होंने देने का नहीं, जो उन्होंने देने का वादा किया था। तो आज इस आंदोलन को भटकाने और हटाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन के विरोध में बातें कर रहे हैं। बाकी वो इस समय देश के प्रधानमंत्री को सबको आंसू दिख जाते हैं, शहादत के आंसू नहीं दिखे गए। जिस प्रकार से सारे चीज़ों को बेचा जा रहा है, इनको आपने कहा, इनको कहा जाए कि बेचू कीवी प्रधानमंत्री हर्ष को बेच रहे हैं। उन्होंने जो है हिमालय को बेचने का प्रयास किया, जड़ी बूटी जो है वहाँ में कीमती, उसको बेचने का, तो ग्लेशियर पिघलेगा तभी होगा ना। तो ये जाँच का विषय है, हो सकता है, मुझे मेरे विचार से आशंका है कि वहाँ पे उस ग्लेशियर को पिघला के और जड़ी बूटी बेचने का प्रयास किया जा रहा है। सबकी नज़र, चाइना ने भी ये कहा था कुछ दिन पहले, और अमेरिका ने कहा था कि हमें वो दिया जाए, मैं उसका पैसा दूंगा। तो चीज़ें जा रही, उसको जांच का विषय, हो सकता है कि उस ग्लेशियर को उस चीज़ों के द्वारा पिघलाया गया हो और गिराया गया, लोगों की जान चली गई, बेचने का प्रयास किया, जाँच किया जाए। जो अपने बचाने, जो किसानों को बेच रहे, हर चीज़ बेच दिया, तो किसी को भी कहीं भी बेच सकती हो। जिन्होंने रावण का रूप ले लिया, उसे मानवता से दरकार नहीं है, कोई मरता उसे दरकार नहीं है। आपको अमेरिका में अगर एक घायल होता है, उसके ट्वीट करते हैं, उसका हालचाल लेते हैं, लेकिन यहाँ 200 किसान हुए नहीं, तो कुछ भी कर सकते। चाइना क्या, वो किसी के साथ भी, एक ट्रेंड चल रहा है इस देश में। आपको पुतिन आजीवन राष्ट्रपति आजीवन चाइना का, जिनपिंग, और उसके बाद ये भी आजीवन प्रधानमंत्री बनने के चाह में है। तो ये निश्चित रूप से इनकी सोच समझी चाल रसिया और चाइना की, इनकी उसी प्रकार से ये यहाँ राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन ये देश अलग अलग जात धर्म संप्रदायों का अलग वेशभूषा है, यहाँ नहीं हो सकता। असली भारतीय लोकतांत्रिक खूबसूरती यही है कि सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जब जब इस भारत पर आतताइयों का आक्रमण हुआ है, तनाशाइयों का, भारत एकजुट हुआ है, ना तिरंगा कभी झुका है, ना झुकेगा, ना भारत टूटा है, ना टूटेगा। यही आपको आंदोलन दिखता रहा आज इस प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में भी दिखेगा। जी बिल्कुल, सबसे इस कहा गया है कि अपने घरों में जाएं, काम करें, खेती करें, 100 से 150 आदमी रहें, लेकिन उसका जैसे ही आह्वान किया जाएगा आप लोग आएं, तो ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ। अगर हमें ये छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये आग गांव तक लग चुकी है, एक आह्वान पर लाखों लोग दिल्ली में इस अहिंसात्मक आंदोलन में तुरंत आ जाएंगे आधे घंटे के अंदर में। अगर शक हो तो एक प्रयास करके सरकार देख ले, गोदी मीडिया देख ले कि इसको खत्म करने का प्रयास करें, लाखों लोग आ जाएंगे, लाखों लोग। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि शांतिपूर्व आंदोलन, तो शांतिपूर्व आंदोलन का भी एक धैर्य का भी एक लिमिट होती है। जैसे कि 2.5 महीना से चल रहा है, तो ये सोचे कि इनको लंबा बढ़ाते जाएँ धैर्य टूटेगा। तो ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि तोड़ना चाहते हैं कि लंबा जितना खींचेंगे टूट जाएगा। तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि देश की जनता, जैसे अंग्रेजों को भगाया था ना, इनका दाना पानी भी बंद करेगी, इनकी साग सब्जी भी बंद करेगी, और यहाँ तक कि रेल भी बंद करेगी, और बाकी इनके जो तंत्र रह गए ना, उसको भी बंद करेगी। रेल से तो वैसे भी आम आदमी के लिए कुछ रही नहीं किया इन्होंने। आम आदमी का जो जनरल डिब्बे में जाते थे गरीब आदमी, वो तो वैसे भी बंद हो गया है। तो इन्हीं के लिए बचा है, ऊँचे पर्वों के लिए बचा है, तो रेल भी बंद किया जाएगा। और इस तरह से जो सोच रहे हैं, तो वैसे इनको भगाया जाएगा, सिर्फ नरम तल से नहीं काम होगा, गर्म भी बनना पड़ेगा, बिल्कुल खत्म नहीं होगा जी बिल्कुल। ये नियम है, अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी राम की बात करती जानती, बिना न मानत जलत जड़। मैं नहीं कहता, रामचरित मानस कहता, राम पर आश्रित, बिना न मानत जलत जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप कर, भय बिन हो न प्रीत। 2 अक्टूबर के बाद ये आंदोलन दूसरे सिरे में जाएगा। जय हिंद, जय भारत।